Hi, I'm Aditi Sharma and you're watching Katha Ankahee. Subscribe to Sony Live channel and hit the bell icon for more updates from Katha Ankahee. डॉक्टर मथुर कब तक पूरी तरह से ठीक हो पाएगा? उसे कुछ भी परमानेंट डैमेज तो नहीं होगा ना? देखिए आप टेंशन मत लीजिए, अभी सब कुछ ठीक है. आई विल टेक केयर ऑफ हिम. एक्सक्यूज मी. या मिसेस सिंह, वाह वाह, आप अब आई हैं. आइए दिखाती हूँ आपके बेटे ने क्या किया है. मिसेस कुमार सर, आई एम रियली सॉरी. मैं समझ सकती हूँ आप लोग का गुस्सा, वो बिल्कुल जायज है, पर I just don't know, मैं आप लोग को क्या कहूँ? आपको पता है आरव ने मधुर को इतना मारा है, फ्रैक्चर हो गया उसे. मिसेस सिंह बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं पर इसका ये मतलब नहीं, आरव ने तो हद पार कर दी. आखिर हुआ क्या है आरव को? इतना अच्छा दोस्त था वो मधुर का, कितना खुश रहने वाला बच्चा, एकदम से ऐसा कैसे हो गया? जब से तुम्हारी शादी टूटी है ना, तभी से वो ऐसा हो गया. चाहे जो भी हुआ, आरव ने जो किया वो बहुत गलत था. उसे ऐसे बिहेव करने का बिल्कुल हक नहीं है. And मैं उसकी तरफ से बहुत शर्मिंदा हूँ, सीरियसली मैम. आप ध्यान रखिए मिसेस सिंह, अगर आरव का बिहेवियर ऐसा ही रहा ना, तो उसकी प्रॉब्लम्स और भी बढ़ सकती हैं. देखिए आप नेक्स्ट टाइम से आरव से कहिएगा कि मधुर से जरा दूर रहे, प्लीज. माँ मुझे कथा के पास जाना, और आरव बेटा, माया दीदी वापस जा रही है. सॉरी. यू आर सॉरी? आई लव यू बेटा. यू लव मी? मैं मानता था कि आप दोनों मुझसे प्यार करती हैं, बट ये कैसा प्यार हुआ? यू नो आप मेरे लिए एक एंकर थी. मैंने जो भी सीखा ना आपसे सीखा है, एंड आई नो हाउ मच आपने मेरी माँ के लिए किया, मेरे लिए किया, एंड दैट इज वाई इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मान, सबसे ज्यादा इज्जत और सबसे ज्यादा प्यार मैंने आपको दिया था. बट आई वाज नॉट इनफ फॉर यू. क्या आपने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली? मैंने नहीं छीनी, मैंने नहीं छीनी, मैंने नहीं छीनी. मुझे तेजी ने बुलाया इसलिए था. शी वाज वांटेड फॉर यू. उसे लगा कि जिंदगी बर्बाद कर रहा था, हमेशा की तरह सिर्फ तुम दोनों की मदद की है. प्रोटेक्ट किया तुझे मैं, तबाह कर दिया आपने. एंड मुझे पता है कि मेरी माँ मेरे और कथा के रिलेशनशिप के साथ खुश नहीं थी, आई नो दैट. पर आपको दोनों बहनों के बीच का फर्क पता है कि जब मेरी माँ खुश नहीं थी उनके चेहरे पे दिखता था, when she smiled forcibly दिखता था, लेकिन you are outstanding, कमाल की हैं आप. क्योंकि आपको तो लोगों की जिंदगियों को कंट्रोल करने की, उनके साथ खेलने की आदत है. you know you had a chance, आप बड़ापन दिखा सकती थी, आप अपनी छोटी बहन को समझा सकती थी, even better मासी me मुझसे सीधे सीधे बात करती, लेकिन नहीं नहीं, why would you do that? क्योंकि माया सिंघानिया को सिंपल बातें समझ नहीं आती ना. डजंट मैटर, क्योंकि अब मेरी माँ मेरे साथ खड़ी है एंड आप अकेली खड़ी हैं. तो खेल लीजिए जो भी गेम्स आपको खेलने, डजंट मैटर एनी मोर, बिकॉज मेरे पास आपके लिए और आपकी ये प्लॉटिंग और स्कीमिंग के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है. यू वांट टू नो व्हाई? क्योंकि मेरा बेटा मेरे लिए इंतजार कर रहा है और मेरी बीवी मेरे लिए इंतजार कर रही है, और मैं और मेरी माँ हम दोनों मिलकर उन्हें वापस अपने घर में लेकर आएंगे. ध्यान तो ये नहीं, मैं नहीं कर सकता. लिसन टू मी व्हेन आई टेल यू, मैं उन दोनों के लिए मौत से लड़ सकता हूं. सो ये तो करके रहूंगा मैं. एंड आज के बाद मेरी कोई मासिक नहीं है, कोई नहीं, नहीं नहीं, मेरी सिर्फ एक माँ है. आई हैव ओनली वन मदर. Yeah.
तेरे कहने से थोड़ी ना मैं तेरी मां नहीं रहूंगी। विलन बना के रख दिया मुझे उन्होंने। विलन विलन ही सही, लेकिन रहूंगी मैं तेरी कहानी का हिस्सा। वियान, विटब, क्या हुआ? विटब, करेवाल मैनेजर चलते हैं। जी। रीत, अभी कभी कैलाशी के पास जा और उन्हें कथा और वियान की सच्चाई बता दे। उन्हें बता किस तरह कथा ने व्यान के साथ एक रात बिताकर 1 करोड़ रुपए की रकम कमाई आरव के इलाज के लिए। बस कीजिए मासी, आप इस बात को और नहीं खींचते। इमरान जेल में है, व्यान मरते मरते बचे हैं। मैं पापा जी के पास नहीं जाऊंगी अभी। शट अप, जाना तो तुझे पड़ेगा ही, वरना वरना मैं सबको बता दूंगी कि शादी में जो कुछ भी हुआ ना वो सब तूने किया है। फिर कैलाश खुद तक के मारकर तुझे घर से बाहर निकालेंगे, समझी? भाई मैं तो कह रहा हूँ कथा को घर से उठाते हैं और सीधा मंदिर लेके जाते हैं, इन दोनों की ना सरप्राइज मैरिज करवाते हैं एकदम फिल्म में। अरे हंसने की बात नहीं है, सच बोल रहा हूँ यार, अब तो मैं नशे में भी नहीं हूँ, कोई बीच में ना व्यान बेटा, तू एक बार कथा को मना कर वापस ले आ, फिर देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब मुझ पर छोड़ दे, पिछली सारी कड़वी बातें, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सब भूल जाएगी वो। थैंक यू भाई, दिलवा ले ना, अब दुल्हन लेके ही जाएंगे। कुछ भी हो जाए। बाबूजी बहुत भूख लगी है, कुछ दे दो। बाबा आशीर्वाद देना। बाबू भगवान करे आप जिंदगी में जो चाहो मिले आपको। बाबू चलता। पता हो तो युवराज की मदद करूं ना मैं। बाबू जी, युवराज कैसे हो? हाँ बेटा, तू ठीक तो है ना बेटा? तेरी जमानत हो गई? मिस्टर व्यान, रघुवंशी ने जो इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई थी वो वापस ले ली, तभी इनको बेल मिल गई। ठीक है करेवाल साहब, मैं चलता हूँ। ओके मैम, शुक्रिया। एक तरफ वो बेचारा है जो मार खा के भी तेरा भला कर रहा है और एक तरफ तू है। रहने दो पापा, कोई बेचारा बेचारा नहीं है, उसे ना अपनी करनी पता है, ये सब करके ना वो बस अपने पाप पर पर्दा डाल रहा है और कुछ नहीं, सब कुछ ना उसकी एक चाल है।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.